कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस का फायदा उठा रही है। कंगना सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अपना एजेंडा चला रही है। भाई आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं इस लहजे में क्यों बात कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, कई लोगों ने इस बात पर एलिगेशन लगाए हैं कंगना के ऊपर कि कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस के जरिए अपना एजेंडा जो है वो साफ करने की कोशिश कर रही है। कंगना जो है वो अपना पास्ट का गुस्सा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है और एक मुहिम चला दी है। वेल, ये बात अब कुछ लोगों ने नहीं, कुछ बॉलीवुड स्टार्स ने नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने ये बात कही है। जी हाँ, हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विकास सिंह ने एक पोर्टल से बात करी है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कंगना जो कर रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अपना एजेंडा चला रही है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ में अपना गुस्सा निकाल रही है। हालांकि मैं भी मानता हूँ ये बात कि फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। सुशांत के पिता ने FIR दर्ज कराई है और उस FIR में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में नेपोटिज्म की वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। वेल, हमें उस FIR पर ध्यान देना चाहिए जो सुशांत के पिता ने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुशांत के पिता की FIR को ही माना है। वेल, ऐसे में कंगना जो नेपोटिज्म को लेके पूरा ढिंडोरा जो पीट रही है और यशराज फिल्म्स हो गए, करण जौहर हो गए हैं, एकता कपूर हो गई, तो मतलब जितने भी ये नेपोटिज्म के नाम पे जिन लोगों का नाम सामने आता है, स्टार किड्स हो गए, इन सभी को लेकर विकास सिंह ने कहा कि कंगना को ऐसा नहीं करना चाहिए। वेल, ये पहली बार है जिसमें सुशांत की तरफ से, मैं यहाँ पे इसलिए बोलूंगी क्योंकि सुशांत का केस जो है, सुशांत के पिता का जो केस है, जो FIR है, उसे सुप्रीम कोर्ट में कह लीजिए या नॉर्मली भी कह लीजिए, CBI तक पहुंचाने के लिए कह लीजिए, रिप्रेजेंट करने वाले विकास सिंह ही है। तो ऐसे में अब क्या इस बात पर कंगना रिप्लाई करती है, क्या कहेंगी, वो मैं आपको वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। अभी के लिए आप मुझे बताइए कि विकास सिंह ने जो कहा है क्या आप उससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बन रहे चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।